नमस्कार। बृहत वास्तुमाला के इस द्वितीय पाठ के प्रस्तुत पाठ्यांश में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पूर्व के पाठ में आपने खाद खनन विचार, भूमि के संशोधन के अनेक विधियां, खाद के बीच में पाषाण आदि प्राप्ति का फल, भित्ति कर्तव्यता, खाद का स्तर आदि विषयों को पढ़ा। अब इस पाठ में आप गृह निर्माण के लिए इष्टिका विचार, इष्टिका का निर्माण आरंभ, इष्टिका के लिए वन्य दीपन चक्र, शिलान्यास आदि विचार, गृह निर्माण के लिए निषिद्ध काष्ठ, ग्राह्य काष्ठ, वृक्ष छेदन हेतु मुहूर्त, गृह निर्माण के लिए वृक्ष छेदन के हेतु प्रार्थना, इन विषयों को आप जानेंगे। सर्वप्रथम गृह निर्माण के लिए इष्टिकादि विचार जानते हैं। बृहत वास्तुमाला में कहा गया है, विजया मंगला चेवा निर्मला सुख देति चा चतुर्धा चिष्टका प्रोक्ता गृहे च वरुणालये तिथ्यंगुलानि विजया मंगला सप्त चंद्रकैः पक्षेन्दु निर्मलस्यात् सुखदा राम पक्षिभिः प्रमाणम इष्टिकायाश्च गर्गाद्यमुनि विस्मृतम। अर्थात घर और जलाशय इत्यादि के निर्माण हेतु तो चार प्रकार की इष्टिकाएँ अर्थात ईंटें कही गई हैं, विजया, मंगला, निर्मला और सुखदा। इसमें विजया नामक जो ईंट होगी उसका प्रमाण 15 अंगुल का होगा, मंगला नामक जो ईंट होगी उसका प्रमाण 17 अंगुल होगा, इसी प्रकार जो निर्मला नामक ईंट होगी उसका प्रमाण 12 अंगुल होगा, और जो सुखदा नामक ईंट कही गई है उसका प्रमाण राम पक्ष अर्थात 23 अंगुल का कहा गया है, ऐसा गर्गादि ऋषियों ने कहा है। अब इष्टिका निर्माण के आरंभ हेतु विचार करते हैं कि कब इष्टिका निर्माण करना चाहिए। इस विषय में कहा गया है कि भौम अर्थात मंगल जिस नक्षत्र में स्थित हो उससे पांचवें, तीसरे, पांचवें, सातवें और पांचवें, इन अग्रिम नक्षत्रों में 28 अभिजीत सहित 28 नक्षत्र की गणना करके यदि चंद्र नक्षत्र हो तो क्रम से सौख्य और मरण इस प्रकार का फल जाना चाहिए। यथा आप देख सकते हैं, इसमें एक उदाहरण लेते हैं कि भौम अर्थात मंगल कृतिका नक्षत्र में स्थित है, तब कृतिका से पुनर्वसु नक्षत्र तक इष्टिका निर्माण के दिन का चंद्र नक्षत्र हो तो सुख की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार पुष्य से मघा नक्षत्र तक यदि चंद्र नक्षत्र हो तो मृत्यु फल जानना चाहिए। इसी प्रकार आगे पूर्वा फाल्गुनी से लेकर हस्त नक्षत्र तक अगर चंद्र नक्षत्र हो तो सौख्य जानना चाहिए। चित्रा नक्षत्र से ज्येष्ठा पर्यंत अगर चंद्र नक्षत्र हो तो मृत्यु जानना चाहिए। मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा और षड्विषा ये नक्षत्र हों तो सौख्य जानना चाहिए। और पूरा भाद्रपद नक्षत्र से भरणी तक यदि चंद्र नक्षत्र हो तो मृत्यु जानना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देना योग्य बात है कि यहाँ पर अभिजित सहित गणना की गई है। इसी प्रकार वन्य दीपन कहा गया है, सप्त पंचा मुनि वेद पंचवेशो कलव ऋग्जीवेति भी दुख सुखम भौम भाच्चा गणेत सुधी सदा इष्टको परिसुवन्नि दीपनम। अर्थात नक्षत्र संख्या यदि 1 से लेकर 7 तक हो, अर्थात भौम जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र से प्रारंभ करके 7 नक्षत्र तक अगर वन्य दीपन जिस दिन भट्टी पर आग लगाई जाती है उस दिन का नक्षत्र हो तो दुख जानना चाहिए। उससे आगे 8 से लेकर 12 नक्षत्र हों तो लाभ जानना चाहिए। 13 से 19 नक्षत्र हों तो रोग जानना चाहिए। 20 से 23वां नक्षत्र हों तो अशुभ जानना चाहिए। और 24 से 28वें नक्षत्र तक हो तो सौख्य जानना चाहिए। यहाँ पर भी अभिजीत सहित 28 नक्षत्रों की गणना करनी चाहिए। अब शिलान्यास आदि विचार करते हैं। दक्षिण पूर्वे कोणे कृत्वा पूजाम शिलाम निषित प्रथमम
शेषा प्रदक्षिणे नेव स्तंभाश्चैव प्रतिस्थाप्यः। अर्थात सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व कोण में अर्थात आग्नेय कोण में पहली शिला का स्थापना करनी चाहिए, बाकी शिलाओं को प्रदक्षिण क्रम से स्थापित करना चाहिए, इसी प्रकार स्तंभों का भी प्रतिस्थापन करना चाहिए। इसी प्रकार का मत सारंगधर का भी है, यथा प्रासादेषु च हर्मेषु ग्रेष्वन्येषु सर्वदा आग्नेयं प्रथमं स्तंभं स्थापयेत् तद्विधानतः। इसी प्रकार ब्रह्मशंभु का भी मत है कि कभी भी हो प्रथम शिला का न्यास पूर्व दक्षिण अर्थात आग्नेय कोण में ही करना चाहिए। इस विषय में ध्यातव्य है कि बृहस्पति संहिता के भटोत्पल टीका में ईशान कोण में अर्थात उत्तर पूर्व कोण में प्रथम शिला का विधान मिलता है, जो अभी भी कई जगहों में प्रचलित है। अब बात करते हैं ग्रह निर्माण के लिए निषिद्ध लकड़ियों का। इस विषय में कहा गया है, अन्य वैश्म स्थितम दारु नैवान्यस्मिन् प्रयोजयेत् न तत्र निवसेत् कर्ता वसन्नपि न जीवति। अर्थात दूसरे के घर की लकड़ी ला करके किसी दूसरे घर पे नहीं लगाना चाहिए, अगर उस घर पे कोई रहता है तो वह जीवित नहीं रहता है। इसी प्रकार सम्राज्ञ सुधार में भी कहा गया है, इष्टिका लोष्ट पाषाण मृतिका जीर्ण मायसम तृणम पत्रम बुधे प्रोक्तम दारु नूतनम गृहाय वे। अर्थात नए घर में कभी भी हो ईंट पत्थर लोहा मिट्टी जो कुछ भी सामग्री है वो हमेशा नूतन ही लगाना चाहिए। इस विषय में सारंगधर का वचन है, नूतने नूतनम काष्ठम जीर्णे जीर्णम प्रशस्यते जीर्णे च नूतनम श्रेष्ठम नो जीर्णम नूतने शुभम। अर्थात नूतन घर में नूतन ही काष्ठ इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए, पुरातन घर में का अगर जीर्णोद्धार कर रहे हैं तो उसमें पुरातन लकड़ी इत्यादि चल सकती है, और पुरातन घर में नूतन लकड़ियाँ लगाएंगे तो वह भी श्रेष्ठ है, परंतु कभी भी नए घर में पुरानी लकड़ी इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार ग्राह्य काष्ठ के विषय में मिलता है, श्रीपर्णी रोहिणी शाका सरजश्च सरलः सुभाः पतंगलोध्रा शालाख्या तालार्जुनक शिंशपाः चंदनाशोक बदरी मधुकाश्च कदम्बकः प्रशस्ताश्च शमी निम्बू विल्यवर्जम गृहांतके। अर्थात श्रीपर्णी जिसे कायफल भी कहते हैं, रोहिणी अर्थात कुटकी वृक्ष, शाक जिसे शागुन भी कहते हैं, सर्ज जिसे साल वृक्ष भी कहते हैं मतांतर से, पतंग वृक्ष चंदन की वृक्ष जाति का ही एक तरु विशेष है, इसी प्रकार लोध्र लोध्र का वृक्ष, तत्पश्चात पतंग का वृक्ष लोध्र का वृक्ष, शाल सखुआ जिसे कहा जाता है, ऐसे ताल वृक्ष है, अर्जुन वृक्ष है, शीशम है, चंदन है, अशोक है, बद्री है, मधुक है, इन वृक्ष को घर के निर्माण हेतु शुभ कहा गया है। तत्पश्चात नारद के मत से त्याज्य लकड़ियाँ कौन कौन सी होनी चाहिए, प्लक्षो दुम्बर च्यूताख्या निम्बस्नु ही विभीतकाः दग्ध कंटकनिको वृक्षः वटाश्वत्थक पित्थकाः अगस्त शीघ्रतालाख्यास तिंतिणीकाश्च निंदिताः अन्य च गृह निर्माणे योजनीय समाद्रुमाः। प्लक्ष पाकड़ वृक्ष, उदुम्बर च्यूत वृक्ष अर्थात आम्र वृक्ष, निम्ब वृक्ष अर्थात नीम का वृक्ष, स्नुही सेहुड़ का वृक्ष, विभीतक बहेड़ा वृक्ष, जले हुए वृक्ष, कंटकी यानी कांटे वाले वृक्ष, वट वृक्ष, अश्वत्थ अर्थात पीपल का वृक्ष, कपित अर्थात कैथ का वृक्ष, अगस्त का वृक्ष, सहजन का वृक्ष, ताल तिंत्रिणी अर्थात इमली का वृक्ष, ये इन सब की लकड़ियाँ गृह निर्माण हेतु त्याज्य हैं। इसी प्रकार वराहमिहिर के मत के अनुसार त्याज्य और अत्याज्य काष्ठ इस प्रकार के हैं, अर्थात शमशान के में लगे हुए वृक्ष, मार्ग में लगे हुए वृक्ष, सुरालय में लगे हुए वृक्ष अर्थात देवताओं के मंदिर में लगे हुए वृक्ष, वल्मीक में, उद्यान में, तापसों के आश्रम में लगे हुए वृक्ष, चैत्य में लगे हुए वृक्ष, नदियों के संगम में लगे हुए वृक्ष या वहाँ से उत्पन्न जितने भी वृक्ष हैं अथवा जिनको आपने घड़े के द्वारा सींचा हुआ है, जो कुंजों में वल्लियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, लता कुंज हैं, या जो वज्र से अथवा हवा के द्वारा गिराए दिए गए हैं, चांडाल के द्वारा, हाथी के द्वारा जो वृक्ष गिरा दिए गए हैं, शुष्क और अग्नि और मधुनिलय से युक्त अर्थात मधुमक्खियों से युक्त जो वृक्ष हैं,
ऐसे सभी वृक्ष कभी भी हो घर के निर्माण हेतु त्याग देना चाहिए। कभी भी हो स्निग्ध जिनके पत्तियां हैं, कुसुम हैं अर्थात पुष्प हैं और फूल हैं, ऐसे वृक्षों को अवश्य ही घर में इनकी लकड़ियां घर में प्रयोग की जा सकती हैं। अब गृह कार्य के लिए द्रुम छेदन का मुहूर्त कहते हैं कि किस समय द्रुम का छेदन करना चाहिए। इस विषय में बृहद संहिता में वर्णन मिलता है, कृष्ण पक्षे चतुर्दश्याम रेवती रोहिणी युते यदा तदा गुरो लग्ने गृहार्थम तु हरिद्रुमान शुक्रे लग्ने गुरो केन्द्रे स्वगे राशो गृहो परि तृणादिभि समाच्छाद्यो न चेवाग्नि भयं भवेत्। अर्थात कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि हो, उस दिन रेवती नक्षत्र हो अथवा रोहिणी नक्षत्र हो, उस दिन जब गुरु का लग्न अर्थात धनु राशि का लग्न हो अथवा मीन राशि का लग्न हो, कुछ विद्वानों के बता अनुसार गुरु जब लग्न में हो उस समय घर के लिए घर के निर्माण हेतु वृक्षों का छेदन किया जा सकता है। इसी प्रकार शुक्र जब लग्न में हो, गुरु केंद्र में हो और अग्रराशियों में हो अर्थात स्थिर राशियों में हो, तब घर के ऊपर त्रिणादि के द्वारा समाच्छादन करना चाहिए अर्थात घर की छत को छाजा जा सकता है, छत वहाँ पर डाली जा सकती है, तब अग्नि भय किसी भी प्रकार से नहीं होता। हमारे यहाँ जब वृक्ष काटने की बात आती है तो उस समय वृक्ष छेदन की प्रार्थना मिलती है। वस्तुतः जब हम किसी वृक्ष को काटते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के पक्षियों के घोंसले होते हैं, अनेक प्रकार के सांप आदि सरीसृप उसमें निवास करते हैं, अपिच प्रेत आदि अनेक आत्माएं भी उसमें निवास करती हैं, कुछ मतानुसार तो सिद्ध आदि लोग भी उसमें होते हैं। इस प्रकार उसमें किसी न किसी प्रकार से जीव जंतुओं का वास होता ही है, प्राणियों का वास होता ही है, क्योंकि हमें गृह निर्माण के लिए आवश्यक रूप से वृक्ष का छेदन करना है। इत्यर्थ उसमें जो स्थित निवासी हैं उनकी प्रीति के लिए कि वे हमारे सामग्री को ग्रहण करके इस पेड़ को छोड़ के कहीं और अपना निवास स्थान बनाएं, इस हेतु वास्तुमाला में वर्णन मिलता है कि जिस दिन हमें गृह निर्माण के लिए पेड़ काटना है उससे पूर्व संध्या को ही उस वृक्ष के नीचे भोजन सामग्री रख करके, चावल दाल इत्यादि को रख करके, जो भी पशु पक्षी इत्यादि को प्रिय होता है उन सब वस्तुओं को रख करके वहाँ पर गृह निर्माण हेतु वृक्षेदन प्रार्थना करनी चाहिए। यानी ह भूतानि वसन्ति तानि बलिं गृहीत्वा विधिवत् प्रयुक्तम् अन्यत्र वासं परिकल्पयन्तु क्षमन्तु ते चाद्य नमोस्तु तेभ्यः। अर्थात इस वृक्ष में जितने भी भूत अर्थात जितने भी प्राणी निवास कर रहे हैं वह मेरे द्वारा विधिवत विधिपूर्वक बनाए गए इस बलि को ग्रहण करें और अपना अन्यत्र वास करें, वे आज मुझे क्षमा करें क्योंकि मुझे आवश्यक कार्य हेतु गृह निर्माण के लिए वृक्षेदन करना है। इस प्रकार प्रार्थना के पश्चात ही वृक्ष का छेदन करना चाहिए। इस पाठ्यांश में आपने कई विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त की। मेरा मानना है कि इस पाठ्यांश के अध्ययन से आज आपको अवश्य ही अत्यंत खाद खनन के इत्यादि के विषय में जितनी भी जानकारी चाहिए वे सब प्राप्त हो गई होंगी। धन्यवाद। नमस्कार।